यही है वो जंपिंग पॉइंट जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से छलांग लगाई थी। तो ये माना जाता है जो ये किला है यहाँ का पूरे भारत का सबसे ऊंचा किला ये है। दोस्तों ये विश्व की सबसे दूसरी बड़ी तोप है। बताते हैं कि जब ये तोप चलती थी तो इसमें माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी, तो इसीलिए बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। दोस्तों आज हम उसी झांसी के किले पर आए हैं जहाँ महारानी रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। तो आज हम चल रहे हैं इस किले के अंदर और इस किले का पूरा इतिहास जानेंगे और इस किले के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, चलिए चलते हैं। सामने का गेट इस तरह मिलता है आपको अंदर जाने के लिए, बाकी आप किला देख सकते हैं। और इधर पहाड़ी एरिया है। दोस्तों अंदर की तरफ आते ही आपको इस तरह कुछ नज़ारा दिखेगा। दोस्तों यह है नंबर वन पॉइंट पे जो इसका नाम है कड़क बिजली तोप, और इसे रानी के सिपाही गौस खा जो है चलाते थे। और दोस्तों यह सामने आप देख सकते हैं इसमें अभी गोला भरा पड़ा है। दोस्तों ये विश्व की सबसे दूसरी बड़ी तोप है और यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंह का आकार की बना हुआ है यहाँ पे, और ये रहा कुछ इस तरह ये तोप। तो ये पहला पॉइंट था, आपने देख लिया, चलते हैं आगे की तरफ। ये गणेश जी का मंदिर है आप देख सकते हैं, और ये दो मंजिला मंदिर है। दोस्तों यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई नियमित पूजा करने के लिए आया करती थी। तो अभी हम और भी आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये रास्ता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, ऊपर की तरफ चलते हैं। और बता दें रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और 4 साल के बाद वो कानपुर के बिठूर नामक स्थान जो अपने नाना के यहाँ रहती थी वहीं पर वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा और जो भी अस्त्र शस्त्र भाला सब कुछ चलाना वहीं पर उन्होंने सीखा था। तो अभी दोस्तों हम तीसरे पॉइंट पे आ गए हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तोप, भवानी तोप, इसे भवानी तोप कहते हैं। ये भी देखिए आप बहुत ही बड़ा तोप है, ये है दोस्तों भवानी तोप। दोस्तों बताते हैं कि जब ये तोप चलती थी तो इसमें माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी, तो इसीलिए इस तोप का नाम माँ भवानी तोप रखा गया है। अब ये देखिए बहुत ही बड़ा तोप है। तो दोस्तों अब इसके बाद ये देखिए कितना मोटा दरवाज़ा यहाँ पे है, पहले के ज़माने का लगा हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर निकली हुई है ये किल की तरह, ये इसलिए यहाँ पे लगा रहता था ये जो लगा है, ताकि ये ऊपर देखिए नोक की तरह निकला है, ताकि कोई भी जो हाथी से पहले लोग आक्रमण करते थे ताकि इस पर हाथी तोड़ ना सके, इसलिए वहाँ पर कील लगाई जाती थी ऊपर और इसको इस तरह से बनाया जाता था। अब और अंदर की तरफ हम चलते हैं। आपको ये देखिए दोस्तों एक और गेट यहाँ पर लगा हुआ है, एक और गेट यहाँ पर लगा हुआ है, और ये भी गेट बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर ये देखिए कितना मजबूत है, ये कुंडी लगाने वाला बहुत ही मजबूत है। और ये भी इसको जो है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सहारा देने के लिए, ताकि गेट को कोई तोड़ ना सके, इसलिए ये इसको लगाया जाता था यहाँ पे। और अभी हम उस पॉइंट पे जाने वाले हैं जहाँ रानी लक्ष्मीबाई छलांग मारी थी अपने घोड़े के साथ। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। यह है दोस्तों वारादरी, जहाँ पर संगीत और नाटक वगैरह हुआ करता था। जो भी इसे संगीत में रुचि लेते थे वो यहाँ पे अपना मनोरंजन करते थे। ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जब अंग्रेज इस पर हमला कर दिए थे, इस पर गोली दाग रहे थे, तो ये सारा यहाँ का कुछ टूट गया था यहाँ पर। और ये जो बनाया गया है इसे बाद में इसको बनाया गया था, और ये सब टूटा हुआ आपको
दिख जाएगा। दोस्तों अभी ये आप गन देख सकते हैं, ये गन है, इसे यहाँ के सिपाही चलाया करते थे। इस महल के जो गेट यहाँ पर हैं, इस गेट के सामने ये दो गन हैं जो यहाँ के सिपाही चलाया करते थे। और ये रहा अंदर, ये दोस्तों गन अंग्रेज़ों के समय का गन है। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये भी अंग्रेज़ों ने इस गेट को बनाया था। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ये आप जो रास्ता देख सकते हैं, ये ऊपर पंचमहल जाएगा और इधर की तरफ आमोद बाग, और ये जो इधर की तरफ है ये गौस खां की कब्र है दोस्तों, इधर जो महारानी रानी लक्ष्मीबाई के वफादार सिपाही गौस खां थे उनकी कब्र इधर की तरफ है। अब हम चलते हैं ऊपर पंचमहल देखने के लिए। हम पंचमहल की तरफ जा रहे हैं, ये सामने है पंचमहल और इसमें हम चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। तो ये है दीवाने खास, यहाँ पे दरबार लगता था, राजा यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे राजा का सिंहासन लगता था। ये है दीवाने खास और यहाँ पे जनता बैठती थी। और दोस्तों ये है दीवाने आम, यहाँ पे जो राजा के खास मेहमान लोग रहते थे। तो ये है दीवाने आम, ये है पंचमहल, ये 5 मंजिला है इसलिए इसे पंचमहल कहा गया। यहाँ लिखा गया ये मूलतः एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासन काल में बनवाया गया है, और ये जो है ऊपर ब्रिटिश शासन काल में बनवाया गया था इसको। और चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको क्या क्या है। इसके ऊपर तरफ चलते हैं दोस्तों, पंचमहल के ऊपर की तरफ आपको पुरानी पुरानी तस्वीरें देखने को मिलती है। और ये रहा कुछ इस तरह, और अंदर बहुत बड़ा हॉल है जिसमें पुरानी पुरानी तस्वीरें दिखाई गई है। ये रहा कुछ यहाँ का इस तरह का नज़ारा। तो आपने ऊपर देख लिया ऊपर क्या क्या था, तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। और आपको नीचे देख सकते हैं एक बड़ा सा हॉल दिखता है, यहाँ पे शायद दरबार लगता रहा होगा। और यहाँ पे इतना बड़ा हॉल है, और इधर भी दिखाते हैं आपको, ये दोस्तों इधर भी देख सकते हैं इतना बड़ा हॉल है। तो आपको यहाँ से दिखेगा ये पंचमहल। पंचमहल इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 5 महल है, 5 मंजिला महल है, इसलिए ये पंचमहल है। आपको पीछे की साइड से आपको दिखता है, आगे की साइड से आपको नहीं दिखेगा। इतना बड़ा महल है कि आप टहलते टहलते थक जाओगे, आपका पैर दर्द करने लगेगा एकदम। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, कितनी मोटी मोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये दोस्तों पहले वही चूना पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है इसको। तो हम चलते हैं और आगे की तरफ, अभी हम थोड़ा आराम करेंगे फिर चलेंगे आगे की तरफ। अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो ऐसे यहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है फांसी घर, यहाँ पे मुजरिम को फांसी दिया जाता था। जो राजा गंगाधर राव थे, छोटी सी गलती पर भी मुजरिम को यहाँ पे फांसी दे दिया करते थे। तो यहाँ से एक रास्ता अंदर की तरफ गया है जो शिव जी की मंदिर है, यहाँ पे रानी जाया करती थी। जब एक बार रानी जा रही थी पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर देखी तो मुजरिम को फांसी दिया गया है, तो यहाँ पर वो गिरकर मूर्छित हो गई। तब से उन्होंने राजा से यह कहा कि आज के बाद यहाँ पर फांसी नहीं दिया जाएगा मुजरिम को। तब से फांसी जो है बंद कर दिया गया, मुजरिम को फांसी देना बंद कर दिया गया है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है। रानी लक्ष्मीबाई ने राजा से, जो राजा गंगाधर राव थे, से कहा कि आप फांसी की जगह पे एक जेल बना दीजिए। तो उसमें जो है
जो मुजरिम को उस जेल में रखा करिए, धीरे धीरे वो सुधर जाएंगे जेल में रहेंगे तो तब से फांसी की सज़ा बंद कर दी गई। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, ये दोस्तों देख सकते हैं मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं, जो शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थी। आज भी ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र है। और इसी मंदिर के पास में एक आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ा विशाल कुआं है, जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। और अभी भी इस कुएं के पानी को यूज किया जाता है यहाँ की सिंचाई वगैरह के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे से ऊपर तक, ये है कोठरी, खाली छोटी छोटी कोठरी बनाई गई है। निम्नलिखित की समाधियाँ गुलाम गौत खां और मुख्य तोपची, मोती बाई महिला तोपची, खुदा बख्श अश्वारोही नेता, उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये है उन सब की यहाँ पे समाधियाँ। तो अभी हम चलते हैं उस पॉइंट पर जो इस किले को बेहद और सबसे खास बनाता है दोस्तों, वह है जंपिंग पॉइंट, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े और अपने दत्तक पुत्र जो उन्होंने गोद लिया था उसको पेट पर बांधकर इस किले से छलांग लगा दिया था। दोस्तों जब अंग्रेजों ने हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई ज़्यादा घायल हो गई थी, तो उनकी जो दाई थी उन्होंने कहा कि रानी आप इस महल को छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आपकी जान खतरे में हो सकती है। तब रानी लक्ष्मीबाई जो ये जो आप जा रहे हैं वहाँ से अपने घोड़े, जो घोड़े का नाम बादल था, बादल के साथ अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध के वहाँ से छलांग लगा लिया था। तो उस पॉइंट पर हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं वो पॉइंट। काफ़ी इस किले का इस मतलब वो पॉइंट इस किले को काफ़ी बेहद और खास बनाती है। तो मिलते हैं हम उस पॉइंट पर दोस्तों। वही ये जगह है, आप देख सकते हैं, ये बुंदेले हर बोलो के मुख ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। दोस्तों आप देख सकते हैं यही है वो जंपिंग पॉइंट जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से छलांग लगाई थी। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है वो जंपिंग पॉइंट जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से छलांग लगाई थी, और यहाँ पे वो छलांग लगाई थी इधर से की तरफ वो गई थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हम उस जगह पे आ गए हैं जो आपको पहले से वहाँ से चले आ रहे हैं ऊपर तक, लास्ट में ऊपर ये पॉइंट बना हुआ है। और भी आगे देख सकते हैं वहाँ पे भारत का झंडा लगा हुआ है, अभी वहाँ पे हम चलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत लोग आते हैं अपना घूमने के लिए, अपना देख सकते हैं बहुत लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे देखने के लिए आते हैं ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला, और जहाँ पे उन्होंने यहाँ से छलांग लगाया था। आप यहाँ का शहर देख सकते हैं, ये शहर देखिए यहाँ का, ये महल के पास का जो शहर है ये है, कुछ इस तरह का नज़ारा है। दोस्तों ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है ये। और दोस्तों ये माना जाता है जो ये किला है यहाँ का, पूरे भारत का सबसे ऊंचा किला ये है, ये झांसी का जो किला है भारत का पूरा सबसे ऊंचा किला है। और यहाँ देखिए भारत का झंडा लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा शहर, ये पूरा शहर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से, पूरा आपको दिखा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो वहाँ इंस्टाग्राम पे आप
पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों जब इस किले को अंग्रेजों ने इसको कब्जा कर लिया था तब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पास में महल है उनका वहाँ पर रह रही थी। तभी चलते हैं वहाँ पे, वहाँ दिखाते हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।